स्वागत है मेरे चैनल प्रिय राहुल की दुनिया में। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये कल मैं चावल बनाई थी, जो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं मेरा अंडा कड़ी वाला, तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो ये मैं कल चावल बनाई थी, तो मेरा चावल बहुत ज्यादा हो गया था, आप देख सकते हैं इतना। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसका एक नए तरीके से मैं आपको सुबह नाश्ते के लिए बना के दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल को अच्छे से फोड़ लेंगे ताकि चावल अपना अलग अलग हो जाए। चावल हमारा अच्छे से अलग अलग हो गया है। उसके बाद चावल का नाश्ता बनाने के लिए हम ये दो प्याज, एक टमाटर और ये दो मिर्ची लेंगे। इसको काट लेते हैं। प्याज धो लेती हूँ मैं यहाँ। प्याज को मैं अच्छे से छील ली हूँ, मिर्ची को धो लेती हूँ और टमाटर को भी हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि बाहर से जब भी सामान हमारे आते हैं तो उस पर बहुत धूल मिट्टी, पता नहीं कितने लोग अपने हाथ उसमें रखे रहते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से, कोई भी आप सब्जी लाएं या फ्रूट लाएं, तो उसको अच्छे से आपको धुलना है। धुलने के बाद ही उसको काटना होता है। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं। प्याज और टमाटर को आप वैसे ही काटें जैसे आप जैसे चना की सत्तू बना के बारीक बारीक काटते हैं, वैसे ही काटना है इसमें भी। ऐसे काटने से क्या होता है कि बारीक बारीक काटने से अगर आप पकौड़ी बना रही हैं तो ज़्यादा बड़ा बड़ा उसमें नहीं दिखता है और मुंह में नहीं आता है। बारीक काटने से अच्छे से उसमें मिल जाता है। चलिए टमाटर और प्याज काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज और टमाटर और मेरा हरा मिर्ची काट के मैं तैयार कर ली हूँ। और चलिए चावल को मैं इस बड़े वाले कटोरे में निकाल लेती हूँ। अच्छे से पूरे चावल को निकाल लेंगे। और जो अभी टमाटर, प्याज और जो हरी मिर्ची मैं काटी थी, इस चावल के अंदर मैं डालूंगी। हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन इसलिए मैं डालूंगी कि इससे अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत लोगों को बेसन से या फिर तले हुए चीजों से पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, गैस वगैरह, तो इससे गैस बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अजवाइन को कभी भी ऐसे क्रश करके ही डालें क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है। से मंगरायल डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। नमक अपने स्वाद अनुसार। मैं इसमें डालूंगी बेसन। आप घर का भी यूज कर सकती हैं,
मेरा तो ये घर का है। जब मैं अपने गांव गई थी तो वहीं से मैं ये बेसन लाई हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो घर के बेसन होते हैं वो प्योर नेचुरल होते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तीन बड़े चम्मच बेसन डालूंगी, थोड़ा सा और। आप अजवाइन की जगह पे चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अजवाइन डालती हूँ। आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं। अब बेसन और सारी चीज़ें इसमें जब हम लोग डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिलाएंगे। जैसे हम लोग बचपन में खाना खाते थे ना, ऐसे ऐसे करके सेम उसको ऐसे ही मिलाना है। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही खाए हैं, क्योंकि मैं गांव में रही हूँ ना, तो गांव में तो चम्मच से बहुत कम ही खाते थे हम लोग। क्योंकि अभी भी मेरा वही है, मेरा चम्मच से ना अभी कभी पेट नहीं भरता है। मैं जब तक अपना हाथ नहीं डालूंगी खाने में तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा पेट भरा है। हाथ, मेरे हाथ का तो कुछ बात ही अलग होता है। वो तो अपनी अपनी पसंद है। बहुत लोग चम्मच से खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चम्मच से मेरा पेट नहीं भरता है। मैं तो बचपन से ही ऐसे खाई हूँ। हम इसको अच्छे से मिला लिए हैं, मिलाते रहें जब तक ये अच्छे से चावल में नहीं मिल जाए, वैसे ही जैसे हम लोग बचपन में खाते थे। अब क्या है कि बासी चावल जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, एकदम खिला खिला। तो वो ऐसे लड्डू बनाने पे वो चिपकता नहीं है। देखिए, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे बिखर जाता है। तो इसको चिपकाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, इतना कि अगर मैं ऐसे लड्डू बनाऊं तो अच्छे से चिपक के गोल बन जाए। बस इतना ही पानी डालना है, ज्यादा नहीं। फिर इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। गैस जला लेती हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और यहाँ पे मैं ऑयल के रिफाइन ऑयल यूज कर रही हूँ। मुझे रिफाइन ही पसंद है। आपके पास अगर घी है तो आप घी में भी इसको फ्राई कर सकती हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक ये लड्डू बना लेते हैं। इसका देखिए कैसे, लेकिन हाथों से दबाएंगे। हल्के से इसको प्रेस करेंगे ताकि ऐसे करना है। हो गया हमारा लड्डू तैयार। अब सारे चावल को हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे गोल बनाएंगे। तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। दो बना लिए हैं सारे लड्डू, बना लेंगे। मेरी माँ ये वीडियो देखेगी तो बोलेगी कि इतना खाने में परफेक्ट कैसे हो गई। पता है, शादी के पहले मैं बहुत कम काम कर किया करती थी। सोचती थी क्या करूँगी क्या करूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि खाना कुछ आए या ना आए, खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तो इसलिए और मैं ये खाना बनाने का आइडिया अपने भाभी से सीखी हूँ, और मेरी दीदी जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, उन लोगों को देख देख के मैं सीखी हूँ। स्पेशली मेरी भाभी,
अगर ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी दीदी भी। अगर जीजा आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को हर तरफ शेयर कीजिएगा। इसी तरह हम सारे, जैसे अभी मैं ये लड्डू बनाई हूँ, सेम वैसे ही सारे चावल को मैं बना के फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, इसको फ्राई होने देंगे, इसको गोल्डन ब्राउन तक ऐसे ही रखेंगे। एक तरफ का अगर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको पलटेंगे हम। तब तक मैं अपना लड्डू भी बनाती रहूँगी। इसको पलटती हूँ मैं, देखती हूँ कैसा हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छे से सीख गया है हमारा। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ हो उसको कभी वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ उसका बना के खा लें, स्पेशली मेरे वीडियो को देख लें। इसको अच्छे से हम दोनों तरफ से पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए, ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं आप दोनों तरफ से कितने अच्छे से ये सिक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। कलर देख रहे हैं कितना सुंदर हुआ है, लग नजदीक से देखिए इसको, क्या ये लग रहा है कि बचे हुए चावल के हैं। देखिए, ये दोनों तरफ से सिक गया है, इसको निकाल लेते हैं। और सारे लड्डू को हम ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेते हैं। निकालने के बाद से मैं फिर दिखाती हूँ। तो हमारा चावल का पकौड़ी बनके, चावल का पकौड़ी नहीं बोलेंगे इसको, बसी हुई चावल का पकौड़ी, बासी चावल का पकौड़ी बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा फाइनल लुक, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये बना है। चलिए अब मैं इसको दिखाती हूँ तोड़ के, ये कितना टेस्टी और क्रंची है, देखिए, देख सकते हैं आप, यम्मी। इसको मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा क्रंची। आप अगर चाहें तो बची हुई चावल का आप ऐसे बना के अपने घर वालों को खिला सकती हैं। आप चाहें तो अपने घर के लोगों को ऐसे बना के खिला सकती हैं, और आपका इससे क्या होगा कि बचा हुआ कोई भी खाने की सामान वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट करने से तो अच्छा है कुछ बना लें, और नहीं तो किसी गरीब को खिला दें। चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आप देख सकते हैं कि मैं अपना नेम चेंज की हूँ चैनल का। तो मैं बता दूँ कि ये नेम चेंज क्यों की हूँ मैं, इसलिए की हूँ मैं पता नहीं बढ़वाते बढ़वाते क्या बोल देती हूँ, इसलिए मैं नेम चेंज की हूँ क्योंकि पहले मेरा जो नाम था पीएस वर्ल्ड, उस नाम से मैं सर्च करती थी तो एक दो नाम ऑलरेडी उस नाम से चैनल थे। तो मैं सोची कि अब एक दो नाम ऑलरेडी हैं तो आगे चल के कहीं मुझे प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं अपना नाम प्रिया राहुल की दुनिया रख ली हूँ। तो चलिए, अगर मेरा ये बासी चावल का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और पूरी दुनिया में फैला दीजिए।